अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग बना रहे हैं मीठी टिक्कियाँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा, तो हम लोग चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल में 1 कप मैदा लिया है, जिसको मैंने छान लिया है। हर चीज़ हमने अच्छे से छान लेनी है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1/4 कप सूजी, इसको भी मैं अच्छे से छान लूँगी। और जो एंड पे रह जाता है उसको हमने वेस्ट कर देना है। और इसमें मैं डालूँगी 1/2 कप चीनी। चीनी मैंने पीस ली थी, शुगर हम लोग पिसे हुए इस्तेमाल करेंगे। और 1 टेबल स्पून मैंने इस्तेमाल किया है कोकोनट क्रश किया हुआ, और 1 टेबल स्पून मैंने सफ़ेद तिल इस्तेमाल किए हैं। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून मैं देसी घी इस्तेमाल करूंगी, मेल्ट हुआ हुआ। इससे ये बहुत हेल्थी हो जाता है देसी घी से। तो आप लोग दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी कि देसी घी का ही इस्तेमाल करें। और इसको अच्छे से हाथों से मिक्स कर लें। इसको इतना मिक्स करना है कि ये एक जैसे अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो ये गुल्डियाँ सी हाथों में बनने लगेंगी, ये इस तरह से। तो इसके बाद मैं इसमें दूध इस्तेमाल करूँगी। ठंडा दूध मैंने इस्तेमाल नहीं करना, 1/4 कप दूध इस्तेमाल करेंगे। और दूध को हम थोड़ा थोड़ा सा इसमें मिक्स करेंगे, ताकि ये लिक्विडी फॉर्म में ना आए, बल्कि इसकी एक हार्ड डो जो है ना गुन जाए। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद मैंने इसको कवर करके छोड़ देना है 15 to 20 मिनट्स के लिए। ये देखें, इसकी डो अच्छे से गुन चुकी है। और अब मैं इसमें जो है ना बादाम डालूंगी। हम लोग बादाम, पिस्ता, जो भी हमारे पास मौजूद हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें बादाम डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून बादाम क्रश किए हुए मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। और इसको ज़रा सा मिक्स करके और इसको हम ढक देंगे 15 to 20 मिनट्स के लिए। इसको हमने ढक के रख देना है। उसके बाद हम लोगों ने इसको कट करना है राउंड कटर की मदद से। 15 to 20 मिनट्स के बाद इसको हम ज़रा सा फिर हल्के हाथ गूंदेंगे, ताकि इसके अंदर अगर कोई हवा या नमी मौजूद हो तो वो निकल जाए। इसके बाद हम लोग इसको बेल के और इसको मैं अब कटर की मदद से कट करूंगी राउंड शेप में। जिसके पास कटर मौजूद ना हो वो कोई भी गोल सी चीज़ ले सकता है। ये देखें, मैं बस एक डिस्पोजिबल कप सा मौजूद है, तो मैं इससे ही कट कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे कटर मिल नहीं रहा था, तो इस वजह से। इसको कट करके और हमने इसको डीप फ्राई कर लेना है हल्की आंच पे। आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। अभी ये बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सी आपको फील होंगी, बड़े एहतियात से इसको आपने ऑयल में डालना है, वरना ये टूट भी सकती हैं। हल्की आंच पे इसको हम पकाएंगे, ताकि ये अंदर से पक जाए और बाहर से जस्ट गोल्डन ब्राउन हम करेंगे इसको।
जस्ट 5 to 10 मिनट्स में ये गोल्डन सी हो जाएंगी। और इसको हम एक खुले बर्तन में निकालेंगे ट्रे में, ताकि थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ये हार्ड हो जाए। बड़े एहतियात से इसको हम पलटेंगे। मेरी ना एक दो मतलब एक टिक्की टूट भी गई थी पलटते हुए, बट डोंट वरी, गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं, इसलिए इसको बड़े आराम से एहतियात से पलटना है। और ये देखिए ये रेडी हो चुकी है। इसको मैं एक ट्रे में निकालती जा रही हूँ। जब ये ठंडी हो जाएंगे तो हम इसको किसी भी बर्तन में रख सकते हैं, फिर ये हार्ड हो जाती हैं। सर्दियों की बहुत ही बेहतरीन सी ये मीठी टिक्कियाँ हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अपने मेहमानों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत मज़ेदार सी ये टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। इसको हम लोग चाय के साथ खा सकते हैं, और एज अ बिस्किट, एज अ टी टाइम हम इसको मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं। बहुत क्रिस्पी सी ये बनेंगी, और इसको हम लोग 1 मंथ तक स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।